हेलो एवरीवन वेलकम टू विशवाद यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो से हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन टॉपिक्स करना शुरू करेंगे टॉपिक हम लोग दो पार्ट में करेंगे पहले पार्ट में हम बेसिक जो पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन होता है जिसमें सिर्फ आपको ब्लड रिलेशन के इंस्ट्रक्शन गिविन होंगी एंड देन आप लोगों से रिलेशन पूछा जाएगा वो करेंगे सेकेंड पार्ट में हम लोग ब्लड रिलेशन को कोडेड फॉर्म में करेंगे जहाँ पर हम ओरली उसे करने की कोशिश करेंगे बिना पेन चलें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है बी इज मदर ऑफ एच डी इज फादर ऑफ एक्स इस तरह से करके इसमें रिलेशन गिवन है पहले मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं, जो जनरेशन है ऊपर से, से नीचे हम लोग जनरेशन दिखाएंगे जनरेशन ऊपर से नीचे आएंगी और सेम जनरेशन लेफ्ट और राइट में जाएंगी ठीक है प्लस का हमारा मतलब होगा मेल माइनस का मतलब होगा फीमेल इसका मतलब होगा सिबलिंग्स इसका मतलब होगा स्पाउस स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ ठीक है ये हमारी इसमें नोटेशन रहेगी हमें अगर कोई मेल बनाना है हम उसके नाम पे प्लस लगाएंगे कोई फीमेल बनाना है उसके नाम पे माइनस लगाएंगे सिबलिंग्स बनाने हैं तो वो एक हाइफन से कनेक्टेड होंगे और स्पाउस बनाएंगे तो वो डबल साइडेड एरो से कनेक्टेड होंगे अब देखते हैं इसमें किस तरह से हमारे पास सवाल दिया है बी इज मदर ऑफ एच मतलब कुछ एच है हमारे पास इसकी मदर है बी ये हो गया डी इज फादर ऑफ एक्स यहाँ पे तो हमें नहीं दिया हुआ मैं इसको थोड़ा सा थो और पढ़ लेता हूँ एक दो लाइनों को सी इज सिस्टर ऑफ एच एच की एक सिस्टर बना देते हैं सी एच इज दी अब ओनली सन ऑफ डी अगर एच का बनाना है और डी मेरा X का भी फादर है that means X भी इसकी हो जाएगी, H की, और डी जब एच का फादर बन जाएगा इस वजह से तो बी ओ डी हजबेंड वाइफ हो जाएंगे ऐसा ही बनेगा कुछ फिर आगे दिया है वाई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी वाई सी की सिस्टर इन लॉ है मतलब सी की भाभी हो सकती है y is कैन बी सी की भाभी और एच प्लस है हमारा एच इज़ द फादर ऑफ टी ये भी दिया तो एच जो है टी का फादर है टी बन गया टी एंड वी आर सिस्टर्स टी की सिस्टर बना दी वी ये माइनस लग गया इस पर भी माइनस लग गया इफ सी एंड जेड आर मेरिड कपल हाउ इजेड रिलेटेड टू वाई देखो सी और जेड मैरिड है मैं काम करता हूँ मैं यहाँ पर एक्स बना देता हूँ और यहाँ पर सी बना देता हूँ मेरे को तो थोड़ा ईजी हो जाएगा और सी की शादी मैंने ये जेड से करा दी अब मुझसे पूछा है हाउ इज जेड रिलेटेड टू वाई जेड और वाई का क्या रिलेशन है अब आप इस रिलेशन में डायरेक्ट देख सकते हो y, H वाई एच की वाइफ है सी जेड का हस्बैंड है एच और जेड आपस में सिबलिंग सिबलिंग है जेड का रिश्ता पूछा है जेड कैसे रिलेटेड है इस ये इसको क्या बुलाएगी ब्रदर इन लॉ अगर इसी में पूछा जाता हाउ इज वाई रिलेटेड टू जेड तो मैं जेड से ऐसे वाई की तरफ एक एरो बना देता कि जेड वाई को क्या बुलाएगा Z y को sister -in -law बुलाएगा, बट मुझसे Z पूछा रिलेटेड टू वाई मतलब y, Z को क्या बुलाएगा ब्रदर इन लॉ ऐसे अभी हम एक दो सवाल और करते हैं आपको थोड़ा इजी करके समझ आएगा फिर एक और सवाल देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है P इज द फादर ऑफ Q, हु इज वाइफ ऑफ L। अभी जो हु लगा है ना दोस्तों ये हु इस Q के लिए लगा है मतलब एक हमने Q बना दिया Q के फादर बन गए P। इज द फादर ऑफ क्यू हू इज वाइफ ऑफ एल तो क्यू जो है एल की वाइफ हो गई तो एल मेरा प्लस हो गया यहाँ पे ओनली सन ऑफ एल के पेरेंट है सी का भाई बना दिया एफ इज द मदर ऑफ सीज ओनली सिस्टर डी देखो यहाँ पे जब एल ओनली सन दिया है दैट मीन सी तो सिस्टर होगी सी की एक और सिस्टर है डी और इसकी मदर कौन है एफ तो वो सी की भी मदर होगी एल की भी मदर होगी मतलब ए की वाइफ होगी तो ए फादर हो जाएगा आर इज द मदर इन लॉ ऑफ एल आर जो है एल की मदर इन लॉ है एल की मदर इन लॉ मतलब पी की वाइफ हो जाएगी आर इज द मदर इन लॉ ऑफ एल हो गया क्यू इज द मदर ऑफ एच क्यू अगर एच की मदर है मतलब क्यू इनका बेटा आ जाएगा सॉरी एच इनका बेटा या बेटी कुछ हो जाएगा एच का भी जेंडर नहीं पता ओनली सन ऑफ एल तो इनका क्यू आर एल का एक बेटा और हो गया कौन एम और एम ओनली सन है तो मतलब H हमारा by default negative हो जाएगा बना दो आर एच को क्या बोलेगा ग्रैंड वोटर अगर हाउ इज आर रिलेटेड टू एच पूछा होता तो वो ग्रैंड मदर हो जाता यहां पर एच का रिश्ता पूछा है कि आर एच को क्या बुलाएगा मतलब ग्रैंड डॉटर बुलाएगा आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा इसी तरह के हम अभी सात आठ क्वेश्चंस और देखेंगे अब देखो दोस्तों आगे तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा मैं ऑप्शन नहीं दूंगा सिर्फ ये डायग्राम बनवाऊंगा अब अगर मान लो आपके पास एक, एक डायग्राम है इसे थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं आर पी इनका क्यू क्यू की शादी हुई एल से एल के सिबलिंग हुए सी डी और एल के पेरेंट यहाँ पर बना दिए मैंने ए एफ ए प्लस हो गया एफ़ माइनस हो गया आर माइनस हो गया पी प्लस हो गया क्यू माइनस हो गया एल प्लस हो गया सी माइनस डी माइनस और इनका बेटा बेटी हो गई एच और इसका भाई हो गया एम प्लस अब इसके अंदर अगर कोई भी रिश्ता आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो हम यहाँ पर एक बार ओरली देख लेते हैं अपने आप को प्लेस करो कि एच आप हो एम आप हो ठीक है आपके पेरेंट्स हो गए मम्मी पापा हो गए क्यू और एल आपकी बुआएं हो गई सी और डी आपके दादा दादी हो गए ए और एफ आपके नाना नानी हो गए पी और आर इसमें अगर किसी से भी किसी का रिश्ता पूछ लिया जाए फॉर एग्जाम्पल आर से सी का रिश्ता पूछेंगे तो आर से सी का कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है आर का रिश्ता एल तक है सी से नहीं है डी से नहीं है बट आर से अगर एच का रिश्ता पूछा जाए तो आप बता सकते हो आर से एम का रिश्ता पूछा जाए तो आप बता सकते हो सेम पी के लिए आप बता सकते हो क्यू से ए का रिश्ता पूछा जाए आप बता सकते हो ए से क्यू का आप बता सकते हो है ना क्यू से एफ़ का रिश्ता पूछा जाए आप बता सकते हो एफ से क्यू का भी आप बता सकते हो क्यू से सी और डी के रिश्ते भी आप बता सकते हो बाई डायरेक्शनल वे में और एम और एच का तो पता ही है एच और एम का भी आप सी और डी से बता सकते हो कि वो दोनों आंटीज़ हैं और वो उनके लिए नीस और नेफ्यू है तो अगर हमने ये डायग्राम बना लिया हमारा पांच सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे जैसे यहाँ पर तो ए ही है हाउ इज़ एट्स रिलेटेड टू आर ऐसे दो तीन चार पांच क्वेश्चन आ सकते हैं क्लरिकल लेवल में पांच तक आ सकते हैं पीओ आ सकते हैं आगे चलते हैं और इस तरह के और क्वेश्चन तो है कौन है अभी ये पी की सिस्टर है इन्हें हमने पी की सिस्टर बना दिया एंड डॉटर ऑफ एम मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूं ताकि मेरे पे जगह बनी रहे ये हमने क्यू बनाई क्योंकि हमने सिस्टर बना मदर बना दी जिनका हमें नाम नहीं पता अल्फाबेट नहीं पता और ये सिस्टर हैं पी की पी के लिए भी अभी हमें जेंडर नहीं पता है इसका जेंडर हटा देते हैं और ये डॉटर हैं एम की क्यूज़ मदर सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर एम एम तो ये जो डॉट एंड तो लगा ये एंड इनके लिए लगाए तो ये एम की डॉटर भी हैं एस इज़ डॉटर ऑफ पी एस इज़ डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी पी की डॉटर हैं एस और एस जो है टी की सिस्टर भी है पूछा गया है हाउ इज टी रिलेटेड टू एम मुझसे एम और टी का रिश्ता पूछा गया है क्या मैं रिश्ता डिफाइन कर सकता हूँ देखो ये ग्रैंड तो है ठीक है एम रिलेटेड टू टी अच्छा एक मिनट ये जो मुझसे पूछा गया है ये टी से एम पूछा गया है ठीक है ग्रैंड तो है बट मुझे ये नहीं पता कि ग्रैंड मदर है या फादर है एम का जेंडर तो नहीं पता ये पता है कि जो क्यू की मदर है वो एम की डॉटर है एम कैन बी फादर एम एम कैन बी मदर तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ग्रैंड और ग्रैंड मदर नानी भी हो सकती है नाना भी हो सकता है कौन है वो हमें जेंडर में डिफाइन नहीं किया हुआ है जब तक जेंडर डिफाइन नहीं किया होगा ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे नाम दे रखे हैं रानी शीला मीता पंकज आदिल तो आप लोगों ने नाम से जेंडर डिफाइन कर दिया ब्लड रिलेशन में नेम की वैल्यू नहीं है नेम से कभी जेंडर डिफाइन नहीं होगा नेम नेवर डिफाइन्स जेंडर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में नाम से आप जेंडर डिफाइन नहीं करोगे आगे देखते हैं इन फैमिली ऑफ सिक्स पर्सन देर आर टू मैरिड कपल ठीक है छह लोगों की फैमिली है छह लोग हैं एफ दो मैरिड कपल हैं डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए मतलब डी जो है ग्रैंड मदर ऑफ़ ए है डी के नीचे कोई एक जनरेशन होगी और यहाँ पर ए होगा ए के पेरेंट्स उसके ऊपर डी ठीक है एंड मदर ऑफ़ बी अभी डी जो है बी की मदर भी हैं इसको मैं साइड में बना लूंगा क्योंकि बी ए का क्या रिश्ता है वो हमें नहीं पता बट डी ए की मदर बी की मदर भी हैं सी इज़ द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ़ एफ सी इज़ द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ ये ऐसे चलेगा ठीक है एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई अब देखो दोस्तों अब अगर मैं इसके अंदर बना दूं ठीक है एफ जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ ई है तो मतलब ई e इधर आ जाएगा क्योंकि दो मैरिड कपल भी तो बनाने छह लोगों में और फिर ए इधर आ जाएगा ये बन गया जिसको मैं रफ में बना रहा था वही एक्चुअली में, में मेरा फेयर डायग्राम बन गया हाउ इज सी रिलेटेड टू ए सी क्या हो जाएगा नहीं वॉट इज सी टू ए हाँ वही बात वॉट इज सी टू ए तो ए से सी का आपको रिलेशन बताना है शी विल बी मदर अगर ए के लिए पूछा जाए कि ए क्या होगा या एफ क्या होगा तो वो हम नहीं बता सकते कि वो बेटा है या बेटी है क्योंकि ए और एफ का जेंडर सॉरी एफ का तो जेंडर डिफाइन है एफ इज द ग्रैंड डॉटर बट ए का जेंडर क्या है वो हमें नहीं पता ए का जेंडर नहीं पता बाकी सबके जेंडर हमें पता है क्लियर हुआ अगर मैंने एक का जेंडर कहीं मिस कर दिया है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा अदरवाइज एक का जेंडर मेरे को इसमें नहीं मिला अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी ठीक है ये पिछले क्वेश्चन को ही मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है डी है जो ग्रैंड मदर है बी और ए के लिए डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी सी इज़ द वाइफ ऑफ बी तो बी को प्लस कर दिया सी की बी की वाइफ बन गई सी एंड मदर ऑफ एफ एफ बना दिया एफ और ए जो ये भाई बहन हो गए या भाई भाई एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई एफ का जेंडर डिफाइन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ठीक है हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है ए इज द ब्रदर ऑफ़ एफ क्या ये ट्रू है नहीं क्योंकि ए का जेंडर नहीं पता ए इज द सिस्टर ऑफ एफ क्या ये ट्रू है नहीं जब दोनों फॉल्स है तो आइदर ए और बी हो सकता है बट आइदर ए और बी मेरे पास ऑप्शन में नहीं है अगर आइदर ए और बी ऑप्शन होता क्योंकि देखो ए और एफ़ का कोई तो रिश्ता है या तो ए एफ़ का भाई होगा या एफ़ की बहन होगी बट क्योंकि ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए मैं आइदर ए और बी नहीं लगा सकता डी हैज़ टू ग्रैंड सन ये भी नहीं होगा एक मिनट इसकी मैं पहले ई से शादी तो करा दूँ डी हैज़ टू ग्रैंड सन ऐसा मैं कर सकता हूँ नहीं क्योंकि एफ़ तो ग्रैंड डॉटर हो गई बी हैज टू डॉटर्स ये भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि मुझसे तो ट्रू पूछा है और ए का जेंडर डिफाइन नहीं है तो आंसर इज नन ऑफ दीज क्यों क्योंकि मेरे को ए का जेंडर नहीं पता है अगला सवाल देखते हैं अब यहाँ से दोस्तों जो भी सवाल मैं कराऊंगा उसमें क्वेश्चन एयर की फॉर्म में ऑप्शन नहीं है सिर्फ हम इनका डायग्राम बनाएंगे अब तक जितना हमने करा आई बिलीव डायग्राम से आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स एंड वाई आर टेन मेंबर्स ऑफ द फैमिली पी इज मैरिड टू वाई पी की शादी कराएंगे वाई से पी इज मैरिड टू वाई क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स ठीक है पी एक्स एंड वाई आर ब्रदर है तो वाई हमारा मेल हो गया पी हमारा फीमेल हो गया और एक मिनट इसे रब कर दू और वाई का भाई हो गया एक्स ठीक है

आर इज द मदर ऑफ टी आर इज द मदर ऑफ टी मतलब एक्स की शादी आर से करा दी मैंने आर इज द मदर ऑफ टी एस इज R. मतलब टी का एक भाई भी हो गया वो एस हो गया डब्ल्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ वाई डब्ल्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ वाई मतलब पी की मदर हो गई डब्ल्यू क्या मेरे पूरे दस लोग हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है दस लोगों की पूरी फैमिली हो गई है अब इसमें किसी से भी किसी का रिश्ता पूछा जा सकता है W से Q के रिश्ते बनाए जा सकते हैं W से T और S के रिश्ते बनाए जा सकते हैं दोनों बाई डायरेक्शनल चलेंगे U से इन तीनों के रिश्ते बनाए जा सकते हैं आपसे खुद भी पूछा जा सकता है U के लिए भी V के लिए भी ये रिश्ते आपस में बताए जा सकते हैं P और R आपस में सिस्टर इन लॉज है Y R के लिए ब्रदर इन लॉ हो गया X P के लिए ब्रदर इन लॉ हो गया आर वाई के लिए सिस्टर इन लॉ हो गया पी एक्स के लिए सिस्टर इन लॉ हो गया है ना इस तरह से रिश्ता कुछ भी पूछा जा सकता है और आपको कुछ भी बताना पड़ सकता है हमें हर रिश्ता और हर जेंडर डिफाइन होना चाहिए अगर कोई जेंडर डिफाइन नहीं है हम अपने आप से उसे आंसर में नहीं मान लेंगे क्लियर है अगला देर आर एट मेंबर्स आर जे पी डी टी वाई क्यू एंड एक्स इन फैमिली आठ लोग हैं आर इज द सन ऑफ जे सबसे पहले जे बनाओ, जे का बेटा बना दो आर प्लस साइन के साथ में डी इज सिस्टर ऑफ पी वाई इज द मदर ऑफ टी अब एक चीज देखो मेरे को ये तो नहीं पता ना कि मैं D is the sister of P को. तो साइड में बना देता हूं पी और डी डी पी की सिस्टर बना दी वाई को टी का मदर बना दिया वाई इज द मदर ऑफ टी एक्स इज द सन ऑफ पी जब एक्स इज पी बनाना है तो इसको मैं अलग रखूंगा और इसका मैंने बेटा बना दिया x d's मदर y हैज ओनली वन सन d की मदर है y ठीक है उनका एक ही बेटा है तो d की मदर भी बना दी y अब एक चीज़ देखो y के पास तो ऑलरेडी t नाम का एक सिबलिंग है सॉरी एक ऑफस्प्रिंग है हमें नहीं पता कि t लड़का है या लड़की है तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे डाल सकता हूँ ये जो मैंने बनाया है मैं यहाँ t बना सकता हूं टी लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता पी का जेंडर मुझे नहीं पता सिर्फ इतना पता है कि डी की मदर मतलब जो तो वाई है वाई का एक ही लड़का है या तो पी है या टी है आर इज़ मैरिड टू पी देखो आर और पी की जब मैं शादी करा रहा हूँ तो आर को ऐसे रख के मैं शादी करा दूँगा आर लड़का है तो पी लड़की हो जाएगी होमोसेक्शुअुअलिटी हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में नहीं आती है आप ये मत बोलना कि वो गे हैं लेसबियन है होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन ये हो गया यहाँ पर अब मेरे को आठ लोग थे लोग कितने हो गए चार और तीन सात लोग हो गए टी सन भी हो सकता है टी का कोई और सिबलिंग भी हो सकता है जो वाई का सन हो देखते हैं क्या है आर इज़ मैरिड टू पी आर इज़ द सन इन लॉ ऑफ क्यू आर इज़ द सन इन लॉ ऑफ क्यू इसका मतलब है कि वाई की शादी क्यू से हुई है वाई की शादी क्यू से हुई है तो क्यू प्लस हो गया अब वाई का तीन बच्चे हुए पी डी टी एक ही लड़का है तो वो लड़का टी हो जाएगा ये मेरे आठ लोग बन गए फैमिली के मुझे बोला गया है इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है अभी तक मेरे को कितने जेंडर पता है चार जेंडर मेरे को फीमेल पता है वाई पी डी एक्स तो जे का जेंडर क्या हो जाएगा जे का जेंडर मेल हो जाएगा ये हो गया अब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है मेल कौन कौन है जे जो कि एक्स के नाना है क्यू जो कि एक्स के दादा हैं आर जो कि एक्स के फादर हैं टी एक्स के अंकल हैं फीमेल कौन कौन है पी एक्स की मदर डी एक्स की मौसी एक्स जो अपने आप में एक लड़की है और वाई एक्स की नानी ये आप लोगों के रिलेशन है जे ग्रैंड हो गए क्यू ग्रैंड हो गए जे इज पैटर्नल ग्रांड फादर क्यू इज मैटरनल ग्रैंड फादर ठीक है फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टेन मेंबर्स हैं फैमिली में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे ठीक है तीन जनरेशन का फैमिली में तीन मैरिड कपल हैं इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है ए इज द डॉटर ऑफ जे जे हमने बनाया जे की डॉटर बन गई ए ठीक बी इज ब्रदर आई हैव ओनली वन सिस्टर ए तो बी का भाई है आई और ए उसकी सिस्टर है और उसकी एक ही सिस्टर है आई की मतलब बी बी एक लड़का होगा ये बन गया तीन मैरिड कपल है दोस्तों इसके अंदर अभी ये ध्यान रखना एच एंड बी आर मैरिड कपल तो बी की शादी हमने एच से करा दी तो एच लड़की हो जाएगी सी इज द डॉटर ऑफ एच सी इज द डॉटर ऑफ एच आगे क्या दिया है जी इज द मदर ऑफ बी तो बी की मदर जी होगी मतलब वो जे की वाइफ हो जाएगी जी इज द मदर ऑफ बी तो जे मेरे पास फादर हो जाएंगे इनके जे फादर जी वाइफ सॉरी जी मदर डी इज इन लॉ जी कौन डी जो है जी का है. होने का है होने मतलब है एक ही शादी हुई होगी एक ही शादी हुई होगी डी से तभी तो दामाद आएगा सन इन लॉ जब बेटी की शादी होगी बेटी तो खाली ए है सी इज द सिस्टर ऑफ ई सी जो है ये ई e की सिस्टर है एफ इज द ओनली सन ऑफ डी डी का ओनली सन है एफ अब ई e की क्या मेरे पास कोई जेंडर डिफाइंड है देखो एक बार दोबारा से देख लो क्या सी के लिए कुछ डिफाइंड है अलग से देर आर ऑल्सो थ्री मैरिड कपल इक्वल ए इज द डॉटर ऑफ जे हमने बना दिया बी ब्रदर आई है आई उसकी ओनली एक ही सिस्टर है वो ए रहेगी एच एंड बी आर मैरिड कपल सी इज डॉटर ऑफ एच जी इज मदर ऑफ बी D इज़ द सन इन लॉ ऑफ G, C इज़ द सिस्टर ऑफ E, F इज़ द ओनली सन ऑफ D. मतलब J मेरे पास मेल है पहला मेल D मेरे पास दूसरा मेल है F मेरे पास तीसरा मेल है I मेरे पास चौथा मेल है B मेरे पास पांचवा मेल है G मेरे पास पहला फीमेल A मेरे पास दूसरा फीमेल H मेरे पास तीसरा फीमेल E मेरे पास चौथा फीमेल मुझे क्या दिया गया था मुझे ये बोला गया था कि मेल और फीमेल बराबर है तो ई e का जेंडर भी माइनस आ जाएगा मतलब ई e भी फीमेल हो जाएगी ये मेरे पास है ये मेरा फैमिली डायग्राम बन गया अब किसी से भी किसी का रिश्ता आप इसमें पूछ सकते हो और आप आंसर देखकर बता भी सकते हो अगर आप डायरेक्ट देखकर ना बता पाओ फॉर एग्जाम्पल अगर जी से ई e का रिश्ता पूछा जा रहा है जी से ई e की तरफ एरो बना दो जिसका रिश्ता पूछा जा रहा है उसकी तरफ एरो का मार्क बना दो कि जी ई e को क्या बुलाएगा जी ई e को ग्रैंड डॉटर बुलाएगा अगर ई e के लिए पूछा जाए कि ई e जी को क्या बुलाएगा ई e जी को ग्रैंड मदर बुलाएगा इस तरह से आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनते जाएंगे एक और देखते हैं दोस्तों इसमें ट्वेल्व मेंबर हैं फैमिली में ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जैड आर इज दिया है एस का बेटा है आर ठीक है वाई एंड आर सिस्टर्स इसे मैं साइड में बना लूंगा वाई एंड सिस्टर्स डब्ल्यू इज द मदर ऑफ पी इसे भी मैं साइड में बना लूंगा डब्ल्यू इज द मदर ऑफ पी क्यू इज द डॉटर ऑफ टी इसको भी मैं साइड बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी मैं कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ क्यू इज द क्या गया डॉटर ऑफ टी क्यू इज द डॉटर ऑफ टी V's ब्रदर आर हैज़ ओनली वन सिस्टर क्यू अब यहाँ पर एक रिलेशन दे दिया कि वी का भाई है आर वी का भाई है आर और आर की एक ही बहन है क्यू तो वी अपने आप में भाई हो गया क्यू टी की बेटी है तो मतलब एस और टी की शादी हो गई एस और टी में हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है अभी हमें नहीं पता बस ये पता कि एस और टी की शादी हो गई आगे देखते हैं इज ब्रदर आर एज ओनली वन सिस्टर क्यू पी इज द ब्रदर ऑफ जेड पी जेड का ब्रदर है पी जेड के ब्रदर होने का मतलब है कि वाई और जेड दोनों का भाई हो गया पी वाई जेड वाई और जेड दोनों बहनें हैं डब्ल्यू इनकी मदर है आगे P is the brother of Z who is married to V. अब जो Z है उसकी शादी V से हो गई है तो मैं काम करता हूँ मैं अपने डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए ना मैं Q और V की पोजिशन बदल देता हूँ क्या करता हूँ मैं Q को इधर लिख देता हूँ और V को इधर लिख देता हूँ ठीक है V की शादी हम लोग करा देंगे Z से वी इज ब्रदर आर एजन सिस्टर क्यों ना हाँ वी की शादी हो जाएगी जेड से वी की शादी जब जेड से करा दी जेड लड़की है इसकी एक बहन है वाई और इसका एक भाई है पी ठीक है और इनकी मदर है डब्ल्यू एस एस का भी मेरे पास जेंडर नहीं है एस और टी का एस इज़ द मदर ऑफ़ क्यू अभी ये मेरे पास आ गया जेड हु इज़ मैरिड टू वी इसके बाद आ गया एस इज़ द मदर ऑफ़ क्यू मतलब एस मेरा माइनस हो गया टी मेरा प्लस हो गया हु इज़ मैरिड टू एक्स अभी जो हु है ये हु क्यू के लिए है तो क्यू की शादी हो गई है एक्स से कुछ इस तरह से बनेगा क्यू की शादी हो गई एक्स यू इज द फादर ऑफ एक्स एंड ओनली वन डॉटर यू इज फादर ऑफ एक्स एंड ओनली वन ग्रैंड एक बेटी भी W, एक्स वाई जेड मेरे पास रह गया ओ तो जो ग्रैंड डॉटर है दोस्तों हो जाएगी ओ और इसका साइन हो जाएगा माइनस ये आपका फैमिली ट्री बन गया आप काउंट कर लोगे पूरे दो बारह लोग हैं ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ गया आप लोगों का आंसर अब इसमें जिसका भी जिससे रिश्ता पूछा जाएगा वो आई बिलीव आप लोग खुद से बता पाएंगे अभी भी अगर कोई डाउट आ रहा है ब्लड रिलेशन में तो आप मेरे को पूछिए आगे हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का चार्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन करेंगे ब्लड रिलेशन में तीन तरह से क्वेश्चन आएंगे या तो इस तरह का आएगा आप लोगों के लिए या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन आएगा या सीटिंग अरेंजमेंट या पजल के साथ में ब्लड रिलेशन मिक्स कर दिया जाएगा यूजअली इसी तरह के आते हैं और आप जब आई बी पी एस पी ओ मेन्स या एस बी आई पी ओ मेन्स में जाएंगे वहाँ पर तो फिर ब्लड रिलेशन को फर्दर कोडिंग डिकोडिंग के साथ डायरेक्शन के साथ कैसे भी मर्ज किया जा सकता है उसे हम लोग एस बी आई पी ओर आई बी पी एस पी ओ मेन्स वाले वीडियोज़ में देखेंगे आगे चलते हैं देर आर टेन फैमिली मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे देर आर थ्री जनरेशन इन द फैमिली देर आर थ्री मैरिड कपल इन द फैमिली बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ जीज ब्रदर एच ठीक है पहले हमने जी का एक भाई बना दिया एच एच की एक ही सिस्टर है वो है बी तो जी बी एच का भाई हो गया जी एंड जे आर मैरिड कपल जी की शादी कराओ जे से जे फीमेल होगी ए इज द मदर ऑफ जे हमने जे का मदर बना दिया डी इज द ब्रदर ऑफ जे डी इज द मदर ऑफ सॉरी डी इज द ब्रदर ऑफ जे सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी जी के फादर इन लॉ मतलब ए की ए के हस्बैंड हो गए कौन सी सी इज द फादर इन लॉ C है आई इज द मदर ऑफ बी बी की मतलब यहां बना दी आई एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ जे मतलब जे के फादर इन लॉ मतलब आई के हस्बैंड एफ ई इज द सन ऑफ जी ई आ गया पर तो आप ये देखो क्या पूरे दस लोग हो गए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पूरे दस लोग बन गए पूरे दस लोग बन गए हैं आपके पास इसके अंदर तीन मैरिड कपल बताए हुए थे तीनों मैरिड कपल हैं हमारे पास एक दो तीन सबके जेंडर हमारे पास है सन ऑफ मतलब ई की वैल्यू पॉजिटिव हो गई का 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 जेंडर, जेंडर, जेंडर सबके अब किसी किसी से भी इसमें अगर पूछा जाता है, तो दोस्तों वो आप लोग बना सकते हैं अगला सवाल देखते हैं ठीक है, है थोड़ा बीच में इस बार लेकर शुरू करते हैं हम लोग इज मैरिड टू वाई दोनों के जेंडर मुझे नहीं पता क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स वाई एंड एक्स आर ब्रदर्स वाई एंड एक्स आर ब्रदर्स तो एक्स मेरे यहां पर भाई हो गया वाई भाई हो गया पी वाइफ हो गई क्यू इज डॉटर ऑफ एक्स यही तो है पी इज मैरिड टू वाई क्यू इज डॉटर ऑफ एक्स एक्स एंड वाई ब्रदर्स क्यू इनकी डॉटर हो गया टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू टी को क्यू की सिस्टर बना दिया यू इज द मदर इन लॉ ऑफ पी तो यू इधर आ गई मदर इन लॉ बन गई एक्स इज़ द सन ऑफ वी तो यू और वी की शादी करा दी वी फादर हो गए आर इज़ द मदर ऑफ़ टी तो एक्स की शादी आर से करा दी आर इज़ द मदर ऑफ़ टी एस इज़ द सन ऑफ़ आर तो टी का एक भाई भी हो गया एस डब्ल्यू इज़ द मदर इन लॉ ऑफ वाई वाई की मदर इन लॉ मतलब पी की मदर हो गई डब्ल्यू ये आपको बन गए सारे मेंबर्स चेक कर लो सारे हैं पी Q R S T U V W X Y जेंडर भी सबके डिफाइंड है जेंडर सबके डिफाइंड है तो जिससे जिसका रिश्ता पूछा जाएगा उसे आप लोग देखकर कर easily बता सकते हैं अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही कर रहे हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए अच्छे से सिलेक्शन लीजिए आप लोगों को लाइफ एंजॉय करनी है आगे चल के अभी पढ़ लीजिए जी भर के रीजनिंग करंट अफेयर्स मैथ्स सबके वीडियोस मेरे चैनल पर हैं कुछ टाइम में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश भी लेकर आऊँगा टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट